अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये इक्वेशन जो है हमारे पास इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है, पी क्यू एक्स इक्वल पी प्लस क्यू एक्स इक्वल ज़ीरो। मतलब पी में ऐड करें क्यू, क्यू को टू एक्स से मल्टीप्लाई करके पी में ऐड करें तो इक्वल ज़ीरो कहता है। पी हमारे पास क्या है देखें, माइनस टू एक्स, और इसका डिनोमीटर ये है हमारे पास आएगा, मतलब दोनों का डिनोमीटर सेम है, माइनस टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्केयर। और क्यू जो है वो टू है, उसे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स बन जाएगा ओवर वन माइनस एक्स, ये माइनस के प्लस का कटिंग होकर जीरो की इक्वल आ रहा है ना। इस कंडीशन को मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो हम क्या करते होते हैं, वाई इक्वल वी एक्स ले लेते हैं। ठीक हो गया, y इक्वल हमने क्या ले लेना है, वी एक्स। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा इसका v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स आ गया। ठीक हो गया, फिर हम आगे क्या करेंगे, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स आ गया। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे अभी इसका हम, तो वो आ जाएगा डी वी ओवर डी एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन डी वी ओवर डी एक्स प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव। ठीक हो गया, इनको हमने इसमें पुट करना है, इक्वेशन वन में पुट इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में पुट करेंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव लिखना है, पहले इसे लिखते हैं, इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ओवर डी का वी का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया। ठीक हो गया, अब ये वन वन टू बन रहे हैं, प्लस टू मल्टीप्लाई वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वी ओवर डी एक्स। ठीक हो गया, माइनस टू एक्स को फर्स्ट डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, माइनस टू एक्स वी माइनस टू एक्स स्क्वायर डी वी ओवर डी एक्स ये बन गया। अब टू को वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास आ जाएगा टू वी एक्स इक्वल ज़ीरो। अब हमारे पास ये चीज़ बन गई, हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, ये इससे कटिंग हो रहा था, हमने कटिंग कर दिया, और ये देखिए माइनस टू एक्स के डी वी ओवर डी एक्स, जब टू इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस टू एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ये इससे इस तरह कटिंग हो जाएगा, सिर्फ ये प्लस टू रह जाएगा। मतलब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर था, नहीं सॉरी ये एक्स स्क्वायर नहीं, ये एक्स है, ये स्क्वायर जो था ये डेरिवेटिव का था, ये एक्स है। ठीक हो गया, एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब इसका रह जाएगा प्लस टू डी वी ओवर डी एक्स। ठीक हो गया, एक्स के वाली जो थे वो इसके साथ कटिंग हो गई है, इक्वल ज़ीरो आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम कर देते हैं इसे डी वी ओवर डी एक्स जो है उसे यू की इक्वल ऐड कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर डी यू ओवर डी एक्स प्लस टू यू इक्वल ज़ीरो। ये कटिंग नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों माइनस के थे, वो मैं इसको देख के प्लस समझ रही थी, ये माइनस के थे तो ये ऐड हो जाएंगे, माइनस फोर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये इधर लिख देती हूँ, यहाँ ये लिख लेते हैं डी वाई डी वी ओवर डी एक्स कॉमन ले लीजिए, बन जाएगा टू माइनस फोर एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, ये टू और टू माइनस फोर एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक हो गया, टू कॉमन लिया हुआ है और साथ में वन माइनस टू एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर पे, डिवाइड बाय एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स प्लस टू वन माइनस टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में ये आ जाएगा यू इक्वल ज़ीरो। ठीक हो गया, ज़ीरो आ गया। अब हम इसे सॉल्व करें, इसे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं ना, डी यू ओवर डी एक्स प्लस टू वन माइनस टू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स इक्वल ज़ीरो डॉट यू। ठीक हो गया,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हमने करना है तो e की पावर में आएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर ओवर x इंटू 1 माइनस x 1 प्लस एक्स डी एक्स। इसे पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना है, पहले मैं इसे पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करती बाद में इसमें यूज़ कर लेंगे। आएगा 1 माइनस, ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर ओवर, बाद में इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, x इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, मतलब a ओवर x प्लस बी ओवर 1 माइनस एक्स प्लस सी ओवर 1 प्लस एक्स, मतलब 1 माइनस 2 एक्स के मैं इतना डिटेल में से नहीं कर रही, डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, प्लस बी इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अगर हम ज़ीरो पुट करते हैं तो यहाँ पे 1 इक्वल ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो a आ जाएगा। अगर हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा माइनस 1, ये ज़ीरो हो जाएगा 1 पुट करने से, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये 2 आएगा माइनस 1 ओवर 2, ये b आ जाएगा। अगर हम x की जगह माइनस 1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1, इसमें माइनस 1 पुट करेंगे 0, ये भी 0, इससे माइनस 1 पुट करेंगे माइनस 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा प्लस 1 ओवर 2, ये c की वैल्यू आ जाएगी। मतलब हमारे पास ये जो बन जाएगा हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए e की पावर में, ये साथ में 2 है ना, 2 से साथ में लिखना है, 2 ओवर x, 2 इधर लिखते हैं 1 ओवर x प्लस 1 ओवर 1 माइनस सॉरी माइनस 1 ओवर 2 है, माइनस 1 ओवर 2 1 माइनस एक्स प्लस 1 ओवर 2 1 प्लस एक्स, यानी कि ये वैल्यूज इसमें पुट करके लिख रही हूँ डी एक्स। ठीक हो गया, जब करेंगे ये 2 कॉमन ले लिया, इसका हमारे पास आएगा एल एन एक्स, इसका आएगा माइनस 1 ओवर 2 एल एन 1 माइनस एक्स, इसका आएगा प्लस 1 ओवर 2 एल एन 1 प्लस एक्स। ठीक हो गया, 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा e की पावर, ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 2 एल एन एक्स आएगा, इसकी पावर बन जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसका 2 से 2 कट जाएगा माइनस एल एन 1 माइनस एक्स, इसका जब 2 जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा प्लस एल एन 1 प्लस एक्स। जब इसे a की फॉर्म में लिखेंगे बन जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर साथ में 1 प्लस एक्स ओवर, ये माइनस वाली टर्म नीचे आ जाती है 1 माइनस एक्स। ठीक हो गया, इस तरह से हमारे पास जो है ये बन जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये ख़त्म होकर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक हो गया, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, इस इक्वेशन को, हमने कह दिया इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो वो हमारे पास इक्वेशन मल्टीप्लाई करके जो बनेगी वो मैं इधर लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स डी यू ओवर डी एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स डॉट यू इक्वल 0। ये प्लस वाली इससे कैंसिल होगी, ये एक पावर इससे कैंसिल होगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा u डॉट, ये लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इक्वल 0। मतलब इसको हम अगर x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें तो यही चीज़ आती है। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा u एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इक्वल सी 1, एक कांस्टेंट आ गया। ठीक हो गया, ये उधर जाके उलट हो जाएगा, u इक्वल सी 1 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, सॉरी ठीक है एक्स के लिए, ये हमारे पास चीज़ आ गई। ठीक हो गया, अब यू किसकी इक्वल है, डी वी ओवर डी एक्स के, वो लिखेंगे डी वी ओवर डी एक्स इक्वल सी 1 1 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स।
ठीक हो गया, ये हमने लिख लिया। डी एक्स उधर ले जाएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, डी वी सी वन वन माइनस एक्स एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स डी एक्स आ गया। ठीक हो गया, अब इसे जो हमें वो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा, पहले से पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं। वन माइनस एक्स एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सी ओवर वन प्लस एक्स, मतलब वन माइनस एक्स इक्वल ए एक्स वन प्लस एक्स प्लस बी वन प्लस एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अगर हम एक्स की जगह ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा वन इक्वल बी, अगर हम एक्स की जगह पुट करें माइनस वन तो हमारे पास आएगा टू इक्वल, यहाँ माइनस वन ये कटिंग हो जाएगा, यहाँ माइनस वन कटिंग हो जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक हो गया, आगे अगर हम कंपेयरिंग करें कोफिशेंट्स को, एक्स के वाले कोफिशेंट्स को, तो हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो इक्वल, यहाँ एक्स के का कोफिशेंट ए और यहाँ सी, ए की वैल्यू वन थी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस वन। ठीक हो गया, अब हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास डी वी इक्वल सी वन ये लिख दिया जाएगा। ए की वैल्यू क्या आई थी, माइनस ए की वैल्यू कहाँ गई हमारी, यहाँ ए की वैल्यू नहीं थी, हमने ए की फ्रेंड की सी की दी थी टू, टू पुट हुई तो ये माइनस टू आ जाएगा। ठीक हो गया, ये माइनस टू आएगी ए की वैल्यू। ठीक हो गया, माइनस टू आ रही है तो हम लिखेंगे माइनस टू ओवर एक्स, बी की वैल्यू वन आ रही है तो वन ओवर एक्स क्या, सी की वैल्यू टू आ रही है टू ओवर वन प्लस एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी वी सी वन कॉन्स्टेंट वैसे लिखा रहने दिया, ये आ जाएगी माइनस टू एल एन एक्स प्लस ये एक्स के ऊपर चला जाएगा तो पावर में वन ऐड होगा तो क्या आ जाएगी माइनस वन ओवर एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया, प्लस ये हमारे पास बन जाएगा टू एल एन वन प्लस एक्स। ठीक हो गया, वी इसे अगर मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस टू सी वन एल एन एक्स माइनस सी वन ओवर एक्स प्लस टू सी वन एल एन वन प्लस एक्स प्लस सी टू आ गया। ये हमारे पास v आ गया, तो y कैसे लिखेंगे, v को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है जो लेट किया था, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये v इसे x से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, हमारे पास बन जाएगा ये एक और नया कांस्टेंट का नाम इसे दे देते हैं, यह आ जाएगा c टू तक आने से c थ्री का नाम दे देते हैं या a का नाम दे देते हैं, ये a बन गया a एल एन एक्स माइनस सी वन ओवर एक्स, ये बी का नाम दे देते प्लस बी एल एन वन प्लस एक्स, सॉरी एक्स मैंने लिखा नहीं, जब इसे एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स आ गया, इसे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बी एक्स आ जाएगा प्लस सी टू एक्स, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक हो गया, सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, सी टू एक्स आ रहा है, ए एक्स सॉरी ए एक्स एल एन एक्स माइनस सी वन प्लस बी एक्स एल एन वन प्लस एक्स प्लस सी टू एक्स आ रहा है। ठीक हो गया, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया, आगे क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर है, ये हमारा जो है क्वेश्चन, ये पी प्लस क्यू क्यू एक्स इक्वल जीरो वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए हम वाई लेंगे इक्वल वी एक्स के। ठीक हो गया, इसे इक्वेशन वन कह दिया, इसे टू कह दिया, डेरिवेटिव इसका लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ठीक हो गया, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा डी वी ओवर डी एक्स प्लस ये टू डी वी ओवर डी एक्स प्लस एक्स सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया, अब ये जो वैल्यूज है हमने इसे इक्वेशन वन में पुट करना है। ठीक हो गया, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव वाई की वैल्यूज जो है ये इक्वेशन वन में पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो वैल्यूज आती है वो मैंने डायरेक्ट इधर लिख ली है पुट करके। ठीक हो गया, ये पुट करके वैल्यूज जो है वो मैंने इधर लिख ली है, पहले सेकंड डेरिवेटिव लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस वन सेकेंड डेरीवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। अब फर्स्ट वाली डेरीवेटिव वाली देखेंगे कौन सी वैल्यू, एक तो ये वैल्यू है और दूसरी ये वैल्यू है, प्लस डी वी ओवर डी एक्स, फर्स्ट डेरीवेटिव लिया ये 2x माइनस वन है, माइनस टू सॉरी टू अंडर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स के, अब ये वी एक्स से कैंसिल हो गया इक्वल वन के आ गया। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे x इंटू एक्स माइनस वन पे, डिवाइड बाय x इंटू
एक्स माइनस वन, तो ये हमारे पास बन जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन डी वी ओवर डी एक्स इक्वल वन ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन लिख लिया, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, डी वी ओवर डी एक्स जो है उसे यू के इक्वल ले लेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स प्लस, इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू ओवर, इसे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक हो गया। डॉट यू इक्वल वन ओवर, इसे ऐसे ही लिखा रहने देते हैं एक्स माइनस वन, क्योंकि इसे आगे मल्टीप्लाई करके यूज होना है इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है आई एफ, मतलब ई की पावर में लिखा जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक हो गया। अब इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले इसे डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास। डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू, माइनस वन से करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, साइन चेंज, ये कटिंग हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस टू। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, ये हमारे पास लिखा जाएगा माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इस चीज़ को हमने सॉल्व करना, इसे सॉल्व नहीं करना, ठीक हो गया। इसे ए का नाम दे दें, इसे सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, तो ये हमारे पास आएगा एक्स माइनस टू इक्वल, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, इतना सॉल्व नहीं करनी क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो आप लोगों को करनी आती है, ए इंटू इसे एक्स इंटू एक्स माइनस वन इसी फॉर्म में लिख के, यानी कि दोबारा जब हम करेंगे तो ये एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स आएगा, ठीक हो गया। अगर हम लिखें एक्स इक्वल जीरो पुट करें तो ये हमारे पास माइनस टू इक्वल, यानी कि टू इक्वल ए आ जाएगा, क्योंकि माइनस वन आना तो ये प्लस कर देगा, टू इक्वल ए। अगर हम एक्स इक्वल वन करें तो ये हमारे पास आएगा माइनस टू, एक्स इक्वल वन किया है तो इक्वल बी, ये बी की वैल्यू आ जाएगी। दोनों वैल्यूज जब पुट होंगी तो हमारे पास आएगा, ये पर लिखेंगे इस तरह से लिखा, माइनस वन लिखा जाएगा, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, प्लस टू ओवर एक्स प्लस सॉरी माइनस टू ओवर, यहाँ टू था, टू सॉरी जब वन पुट किया था तो ये माइनस वन आ रहा है, ठीक हो गया, माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन डी एक्स, ठीक हो गया। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स, इसे करेंगे हमारे पास आएगा प्लस एल एन एक्स स्क्वायर, मतलब टू एल एन एक्स आता ना, टू इसके साथ मल्टीप्लाई था, मैंने पावर में लिख लिया डायरेक्ट, माइनस एल एन एक्स माइनस वन, ठीक हो गया। तो ये लिखा जाएगा ई की पावर माइनस एक्स डॉट, ये दोनों एल एन में आएंगे तो ये लिख दिए जाएंगे एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन, अब मैंने डायरेक्ट लिख लिया। इससे भी कोई मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको करेंगे, इस इक्वेशन को, इक्वेशन टू थ्री, इक्वेशन थ्री मल्टीप्लाई बाय ई की पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन से, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनेगी वो इक्वेशन मैं लिखने लगी हूँ यहाँ पे, ई की पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन डी यू ओवर डी एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन डॉट यू इक्वल, जब करेंगे इसे तो हमारा हो जाएगा माइनस एक्स एक्स स्क्वायर ओवर एक्स एक्स माइनस वन का स्क्वायर, और ये इसे कट जाएगा। तो ये इसे हम लिख सकते हैं यू डॉट ई की पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें तो ये सारी चीज़ हमारे पास बन जाती है, ये इसे कटिंग हो जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पर यह हमारे पास बचेगा ई की पावर माइनस एक्स एक्स ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट करेंगे ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा यू डॉट ई की पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन इक्वल ई की पावर माइनस एक्स एक्स ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये डी एक्स साथ में प्लस सी वन कॉन्स्टेंट, अभी इसे हमने इंटीग्रेट करना, ये एज इट इज आएगा यू डॉट ई की पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर ओवर
एक्स माइनस वन, इसे अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आता है माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस वन प्लस सी वन आ गया, ठीक हो गया। ये जो था उधर जाके ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड, मतलब उलट हो जाएगा और इधर यू रह जाएगा, वो मैं लिखने लगी हूँ इधर। ये हमारे पास बन जाएगा यू इक्वल माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन ओवर ई की पावर माइनस एक्स एक्स के प्लस सी वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन ओवर ई की पावर माइनस एक्स एक्स के, ये से कैंसिल। ये किसकी इक्वल था, डी वी ओवर डी एक्स के, ये जो हमने लिया था। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा माइनस एक्स की पावर ये ऊपर जाके माइनस टू हो गई प्लस सी वन, ये हमारे पास इसे हम ऊपर ले जाएं अगर तो ये हमारे पास आ जाएगा ई की पावर एक्स एक्स माइनस वन ओवर एक्स के, ठीक हो गया। डी एक्स उधर ले जाएंगे, यहाँ रह जाएगा डी वी इक्वल माइनस एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स प्लस सी वन ई की पावर एक्स, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर एक्स के डी एक्स, इसे इंटीग्रेट भी साथ में ही कर देते हैं, ठीक हो गया। ये आ जाएगा वी, ये आ जाएगा माइनस एक्स की पावर माइनस वन ओवर माइनस वन प्लस सी वन। अब ये वैल्यू है, ये टू लिखा हुआ वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर एक्स केयर, इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई की पावर एक्स ओवर एक्स, ठीक हो गया। इस सारे को इंटीग्रेट करके ये आ जाएगा, आप लोग इंटीग्रेट करके देख उसे बाय पार्ट्स करेंगे सो तो ये आ जाएगा, ठीक हो गया। बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे इसकी तो ये आएगा हमारे पास, यानी कि इसको इंटीग्रेट करेंगे टूटने बाय पार्ट से, इसे अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर जिससे मल्टीप्लाई टू इंटीग्रल के साइन बन जाएंगे ना, तो ये वाला जो इंटीग्रल साइन उसे इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें एक टर्म ये आएगी और एक टर्म ऐसी आ जाएगी, तो वो जो इस तरह से वो कटिंग होगी बाकी यही टर्म रह जाएगी हमारे पास, ठीक हो गया। प्लस सी टू आ गया, सेकंड कांस्टेंट आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। ये वी की वैल्यू आ गई, इसे अगर हम लिखे तो वी इक्वल आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, वन ओवर एक्स प्लस सी वन ई की पावर एक्स ओवर एक्स प्लस सी टू। अब y कैसे लिखेंगे, हमारे पास क्या था वी एक्स, तो मतलब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x से मल्टीप्लाई होकर वन आ जाएगा प्लस इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे इसका भी x कटिंग हो जाएगा c1 e की पावर x प्लस c2 x आ गया, मतलब वन प्लस c1 e की पावर x प्लस c2 x हमारे पास आंसर आ गया, ठीक हो। यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो भी कंप्लीट कर लिया है।